फाइनली बोर्ड फिटिंग हो चुका है, चलिए फटाफट वायरिंग करते हैं। तो वायरिंग करने के लिए हर बार की तरह हम लेंगे सिर्फ ग्रीन वायर। तो चलिए अभी इसको हम उल्टा करते हैं, कुछ इस तरह से हम उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। आपको कुछ सब दिख रहा है। सबसे पहले हम न्यूट्रल का ही काम करेंगे आज। तो न्यूट्रल का काम करने के लिए हमारा चार स्विच है, चारों स्विच से कोई मतलब नहीं। न्यूट्रल इंडिकेटर पर मतलब यहाँ पर लिखा है सॉकेट पर, एक न्यूट्रल, दो, तीन न्यूट्रल और एक हम अपने बल्ब पर न्यूट्रल लगाने। तो चारों जगह न्यूट्रल लगाते हैं, तो पहला दूसरा करके लगाते हैं। ये है हमारा पहले जगह पर न्यूट्रल, इसमें यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ रहेगा हमारा दूसरा न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ रहेगा हमारा तीसरा न्यूट्रल, यहाँ रहेगा हमारा लास्ट न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी करेंगे लाइन का काम। तो लाइन का काम करने के लिए सिंपल है, स्विच का तीनों चारों पॉइंट जो है हम उसके नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम पहले पॉइंट पर ऐड कर रहे हैं, ये देखिए। यहाँ से आप इनपुट भी दे सकते हो। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, अभी इनको हम इनमें ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से हम तीनों पॉइंट के नीचे वाले स्विच पॉइंट पर डालकर कस देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको कस देना है अच्छे से, लूप बिल्कुल भी ना रखना आपको, नहीं तो शॉर्ट सर्किट का मतलब स्पार्क करता है इसमें, तो स्विच खराब हो। चलिए अभी ये भी हो गया कंप्लीट। अभी करते हैं इन सभी का कनेक्शन ऑन ऑफ करने का सिस्टम का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्विच का इस शिफ्ट से इसका कर दे रहे हैं, क्योंकि ये पास है, ठीक है। कुछ इस तरह से हम इन दोनों में वायर को डालकर अच्छे से टेस्टर की मदद से कर देंगे, ठीक है। तो दूसरे वाले स्विच का भी कनेक्शन हम कुछ इसी तरह कर देंगे। एक वायर लेना है, अभी इस स्विच का कनेक्शन हम करेंगे इस वाले सॉकेट से, ठीक है। इस वाले सॉकेट से करने के लिए हमें इस सिंपल सॉकेट के पॉइंट में डाल देंगे, ठीक, डाल कर अच्छे से कर देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरे सॉकेट का स्विच से कनेक्शन। अभी इस सॉकेट का कनेक्शन हम इससे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक वायर ऐड कर देते हैं स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में, हम कुछ इस तरह से वायर लगा कर सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में इसे लगा देंगे और इनको हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीनों स्विच और तीनों सॉकेट का काम हो चुका है। अभी एक होल्डर का काम करना है, ठीक है। तो होल्डर का भी कनेक्शन सिंपल ऊपर वाले पॉइंट में ऐड करके यहाँ पर ऐड कर देना है। कुछ इस तरह से आप इसमें भी कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन कंप्लीट, ठीक है। आप लोग को थोड़ा मैं इस तरह से अच्छे से कर दे रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। दिख रहा है बाकी सब अच्छे से। देखिए कुछ इस तरह से हमारा 300 के और 300 का कनेक्शन होता है और होल्डर है। तो भी चलिए इसमें इनपुट कहाँ देते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते। आप इसमें एक वायर न्यूट्रल में यानी यहाँ पर लगा दो, एक लाइन में यहाँ पर लगा दो, ठीक है। आप यहाँ भी न्यूट्रल का वायर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जहाँ न्यूट्रल का वायर गया वहाँ लगा दो। न्यूट्रल का वायर यहाँ लगेगा और लाइन का वायर स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगेगा, ठीक है। तो चलो इसका वायरिंग हम कंप्लीट उसका भी चेक करते हैं। तो लाइव प्रूफ आपको सामने, उसको बस थोड़ा सा हम सीधा कर लेंगे इस तरह कुछ, और इसमें हम डालते हैं सभी कनेक्शन बंद कर देते हैं। लेते हैं अपना एक वाई होल्डर स्विच सॉकेट। तो चलिए पहले हम इसका कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका भी काम कर रहा था अच्छे से। अब इसका हम कर लेते हैं, इसका होगा ठीक, ठीक है। इससे ग्लो हो रहा है, चालू हो जाएगा ऑन ऑफ, ठीक है। इससे ठीक है, ये भी काम कर रहा है, इसका भी देख लेते हैं। ये देखिएगा इसका भी काम कर रहा है। तो दोस्तों आप कुछ कर सकते हो इस तरह, तीन स्विच, चार स्विच, तीन सॉकेट और एक होल्डर का कनेक्शन
तो गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो कि हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग के पास पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।